हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, आज हम तीन चीज़ों पर बातें करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला तो ये है कि हम लोग एक वीक का शेड्यूल कर चुके हैं पूरा, ठीक है। तो वो कैसा रहा आपका, वो रिव्यूज चाहिए थोड़े से कमेंट्स में, ठीक है। और एक फ्रेशर्स काफ़ी पूछ रहे थे कि ये फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, किसके लिए ये शेड्यूल। और एक कुछ टाइमिंग को बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर सुबह डाल दो रात को डाल दो टाइप, तो उसका डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से फॉलो किया है, तो उनको पता होगा कि ये हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इसमें रीजनिंग्स में। ये चार टॉपिक्स जो इनकी वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स अपना कंप्लीट हो गया है पूरा, और इंग्लिश में ये टोन ऑफ पैसेज, फिक्स प्रपोजिशंस, वेरबल्स और आर्टिकल्स देख चुके हैं हम। जीएस में ये पांच टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो गए। ये पॉलिटी की रिविजन की वीडियो आधी डाली थी मैंने उस दिन, कि आधी देख लेना, आधी कल आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी कल। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर 5-6 दिनों से ये फॉलो कर रहे हैं, वो मेरे को बताना एक बार कि ये जो तुमने वीडियोस देखी हैं, कितना क्लियर मतलब हुआ है तुम्हें चीज़ें, कि ये टॉपिक्स जो हैं जो तुमने कवर किए हैं, इनसे कितनी हेल्प मिली है, ताकि आगे का हम लोग बेटर प्लान कर पाए फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ बच्चे ना ऐसा बोल रहे थे कि सर ये बहुत ज़्यादा है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये कम है। तो वो ना भाई तुम्हारे खुद के टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कोई कुछ लोग जॉब में हैं तो उनको लगेगा यार बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग बिल्कुल फ्री हैं जो पूरे दिन पढ़ते हैं, बस उनको लगेगा कि यार ये तो 6 घंटे में हो गया, हमें तो 10 घंटे पढ़ता हूँ, तो उसको कम लगेगा, है ना। तो एक एवरेज टाइप से है, ठीक है। बाकी जो आगे जो शेड्यूल आएगा कंप्लीट वाला, जो 1 अप्रैल के बाद आएगा लगभग, वो जो है वो इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अभी बता रहा हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा वो, अभी तो स्टार्ट किया है तो कम कम ही है। बाकी एक तो जो वर्किंग वाले बच्चे हैं ना, वर्किंग वाले बच्चे काफ़ी बोल रहे थे कि हमारा एकदम अलग से बना दो कुछ, तो उस पर भाई काम चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो जॉब वाले हैं उनका डेली ऐसा प्लान करेंगे कि केवल 4 घंटे का ही शेड्यूल हो, और उसमें वो सारी चीज़ें अपनी थोड़ी थोड़ी एक वीक में कवर कर पाए, ठीक है। तो ये वर्किंग वाला भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा लगभग 1 वीक, उसके बाद ये वर्किंग वालों का अलग से आ जाएगा, ठीक है। उसका इतना इशू नहीं है। तो एक तो सबसे पहले कमेंट्स में ये बताना है जिसने भी फॉलो किया है कि कैसा कैसा था, ठीक है। सेकंड चीज, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, देखो फ्रेशर्स को भी ना दो टाइप्स हम बांटेंगे। पहले वो फ्रेशर्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस उन्होंने कर लिया अपना पूरा, लेकिन अभी पेपर नहीं दिया है प्री वगैरह का, ठीक है। और दूसरे वो एकदम कंप्लीट फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी पढ़ना ही स्टार्ट किया है सीजीएल के लिए, उनका भी सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो सिलेबस अपना शेड्यूल आएगा ना, ये हमेशा उन बच्चों के लिए रहता है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। एक छोटी सी बेसिक सी बात समझना कि एसएससी में तीन चीजें होती हैं हमको करनी है, अगर अगर मतलब सिलेक्शन वगैरह लेना है तो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो बेसिक सिलेबस करना होता है अपने को। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो सेल्फ स्टडी से कर लो या फिर टीचर से कर लो, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा होशियार हो तुम या फिर तुम्हारे बेसिक्स अच्छे हैं, तो तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो नोट्स वगैरह लेके, और अगर थोड़ा वीक लग रहा है तो टीचर से भी पढ़ सकते हो तुम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है, जब तुम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो अपना, तो आता है फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का, कि अब तुम्हें प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। ये भी दो तरीके से होती है, एक तो पहली बार बुक से करते हैं हम चैप्टर वाइज, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ऑनलाइन करते हैं शिफ्ट वाइज, ठीक है। और फिर तीसरा जो आता है वो होता है पेड मॉक्स का, कि हमको बहुत सारे मॉक्स देने होते हैं ताकि हम एग्जाम में अच्छे से कर पाए चीजें, ठीक है। तो अब तुम खुद देखो कि तुम तैयारी के अभी फिलहाल किस फेज में हो, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल आता है अपना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका, वो लोग एक बार मैथ्स पढ़ चुके, सारे चैप्टर्स उनको सिलेबस आता है, ठीक है। तो अब उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे शेड्यूल में, बुक से भी और ऑनलाइन भी, दोनों चीजें आएंगी शेड्यूल में, ठीक है। जिन्होंने मेंस का देखा होगा शेड्यूल में, देखा होगा कि बुक के भी 100 क्वेश्चन डेली आते थे और ऑनलाइन शिफ्ट भी आती थी डेली शेड्यूल में, ठीक है। और फिर हम मॉक्स भी कराएंगे, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो एकदम फ्रेशर है, उनके लिए शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं है भाई। तुम अच्छे से किसी टीचर का पहले कोर्स करो, या फिर सेल्फ स्टडी से कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी करो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो, टाइम थोड़ा कम लगेगा और जल्दी तुम रेलिवेंट चीजें पढ़ पाओगे, ठीक है। तो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, सिलेबस कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि देखो अभी तो सिर्फ वीडियोस आ रही हैं, तो वीडियोस तो चलो कोई भी देख सकता है, ठीक है। लेकिन अब जब नेक्स्ट वीक होगा, तो उसमें डेली के फिर 100 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें मैथ्स के करने के लिए, और 100 क्वेश्चन ही रीजनिंग के मिलेंगे,
अब मान के चलो कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ और हमने वहां पे बोल दिया कि भाई आज तुमको परसेंटेज के 100 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, तो अगर तुमने परसेंटेज चैप्टर पहले पढ़ा ही नहीं है किसी भी टीचर से, या नहीं वो एक बार भी कवर किया, तो फिर तुम 100 क्वेश्चन कैसे करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के? तुम्हें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आते ना, ना ही तुम रीजनिंग के 100 क्वेश्चन कर पाओगे फिर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनका सिलेबस नहीं हुआ भाई, तुम्हारे लिए नहीं है ये शेड्यूल, तुम पहले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो उसके बाद आना ठीक है शेड्यूल पे। और जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है तुम्हारे लिए भाई सारी चीज़ें आएंगी है। और जैसा मैंने बताया कि अभी जो वीडियोस आ रही हैं वो वीडियोस उन टॉपिक्स की थी जो अभी मेंस वाले बच्चों को जिनमें दिक्कत हुई, 2022 जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें कुछ टॉपिक्स पूछे गए स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह वाले, या इनइक्वालिटी या प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जिनमें सबको दिक्कत हुई थी, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में पहले वीडियोज डाल दी ठीक है। बाकी अपना प्रॉपर शेड्यूल जो आएगा वो ऐसा ही आएगा जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी बुक से भी चैप्टर वाइज और ऑनलाइन शिफ्ट वाइज भी ठीक है। बस तो जो भी बच्चा कर रहा है तैयारी वो ये वाली जो तीन चीजें हैं इनको ध्यान रखना कि जो रोड मैप है अपना यही होता है, एक बार बेसिक सिलेबस करना, फिर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना, एक बार बुक से चैप्टर वाइज, और जब बुक कंप्लीट हो जाए तो फिर ऑनलाइन मिक्स करनी होती है ताकि हम किसी भी चैप्टर को बोले ना उसके बाद फिर हमें पेड मार्क्स देने होते हैं प्रैक्टिस के लिए ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रेशर्स के लिए। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि यार ये जो शेड्यूल आ रहा है ये प्री तक आएगा या मेंस तक आएगा या कब तक आएगा? तो भाई ये आता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, डेली शेड्यूल जो पब्लिक पे, ये प्री का भी आएगा, प्री के बाद फिर मेंस का भी आएगा, और वो प्री ही रहता है शेड्यूल हमेशा ठीक है। तो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें फॉलो करना है तो अच्छे से फॉलो करो, सारी चीज़ें आएंगी इसमें ठीक है। और टाइमिंग के रिगार्डिंग जो इशू था कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम सुबह 7 बजे करेंगे या फिर हम रात को जल्दी सो जाते हैं टाइप, या जल्दी रात को पढ़ते हैं कुछ बच्चे, सबका अलग अलग है। तो उसका सॉल्यूशन निकाल लिया अपन ने। अब जो मंडे से जो शेड्यूल आएगा वो एक दिन पहले आ जाया करेगा रात को 10 या 11 के बीच में ठीक है। तो अब जो तुम्हारा डेली शेड्यूल होगा वो एक दिन पहले 10-11 बजे मिल जाएगा, यानी मंडे का जो है, मंडे जैसे कल है, तो कल का शेड्यूल मैं आज रात को संडे को 10 PM के बाद डाल दूंगा, तो जो बच्चे रात को लेट में पढ़ते हैं या सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हैं वो यहाँ से कवर कर लेना इस टाइम ठीक है। इसमें किसी को भी कोई इशू नहीं होगा ठीक है। बाकी जो बच्चे पेड बैच का पूछ रहे थे भाई, वो मैं पहले ही तुम्हें वीडियो में बता चुका हूँ। देखो कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं जैसे मैंने वीडियो डाल दी तो वो वीडियो देखेंगे नहीं। मैंने पिछली बार भी पेड बैच का बताया था कि भाई सीजल के नोटिफिकेशन के बाद आएगा, सीजल 23 के नोटिफिकेशन के बाद वो आएगा, तो बच्चे वीडियो देखते नहीं है, बस सीधा जाके कमेंट कर देंगे कब आएगा कब आएगा टाइम। तो भाई वीडियो देखा करो पहले ना, उसमें वो चीज़ें बताने के लिए ही होती हैं ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं पहले वीडियो में बता चुका सब इसके रिगार्डिंग ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये बेसिकली एक तो मेरे को रिव्यू लेना था कि जो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें कैसा लगा, और कुछ वो फ्रेशर्स वाली बात बतानी थी ठीक। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।